हमारे युवा पीढ़ी बेरोजगारी की बदहाली से गुजर रही है। यह इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम और आप भी हैं। इसको स्वीकारना होगा, क्योंकि समय समय पर आपने उन युवाओं को मार्गदर्शन नहीं दिया, क्योंकि समय समय पे आपने अपने बच्चों को अड़ोसी पड़ोसी को समझा नहीं पाए कि एक ओज की ताकत, एक ओट की क्षमता डॉक्टर वीर अम्बेडकर साहब ने कितनी बदाजियों के साथ, कितने बलिदानों के बाद, कितनी मशक्कत के बाद जो ओट की ताकत दिए, ओट कहां। तमाम लोगों ने, वक्ताओं ने सत्ता की भी बात की, तमाम पार्टियों को भी खींचे। हम युवा है, युवाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं साहब, उन युवाओं की बात रख रहे हैं। युवाओं को आखिर पूछा कहा जा रहा है। जैसे लोगों ने कहा कि युवा जहां होते हैं वहां परिणाम निकल के आता है, क्योंकि युवा कहते हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा विश्व बाकी है। तो ऐसे युवा होते हैं साहब। तब धनराज कहता है कि चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पे रौब डाला जा रहा है, चिरागों को उछाला जा रहा है, हवा पे रौब डाला जा रहा है। हम ही कर्णधार है इस भारत के, और हम ही को खदेड़ा जा रहा है, हम ही को दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार शिक्षा पे हमला हो रहा है। आप और हम बड़े बड़े नेता, आप जैसे महापुरुष चुप क्यों हैं? उन युवाओं के पीछे, उनको हौसला अफजाई को खड़ा होने के लिए आपकी जरूरत है साहब। इसको नकारिए मत, क्योंकि युवा लड़ना तो चाहता है, वो लड़ रहा है, लेकिन सपोर्ट जरूरी है। जब आप कहते हैं हमसे या तमाम युवाओं से कि बेटा तुम लड़ो, तो जब इतना आप कहते हैं कि लड़ो, तो उसका सीना 36 नहीं, 52 नहीं, 58 होता है। उस सरहदों क्या इस सत्ता की दीवारों को गिराने की बात करता है साथियों, क्योंकि यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहीलाल पतंदर हुआ करते थे। जब आवाज आती थी कि भारत छोड़ो आंदोलन का, तो कचहरी में सहीलाल पतंदर अपने छाती पे गोलियां खाने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे युवाओं ने इस सहीलाल पदम सर से लेके तमाम बहुजन महापुरुषों के तहत, तमाम स्वतंत्र युवाओं ने, खुदीराम बोस से लेके तमामों ने इतिहास रचने का कार्य किए। और फिर भी मैं कहता हूं कि सुधर जाइए, संभल जाइए, उन युवाओं को बताइए कि आप किस तरफ गुजर रहे हैं। जैसे लोगों ने कहा कि कांवरिया ढोरे, जैसे हमारे सांसद महोदय समझा नहीं पा रहे, समझाइयो तो साहब, घर से निकलेंगे भी नहीं, सत्ता पालेंगे। उन युवाओं को समझाएंगे भी नहीं, एक कमरे से कोस देंगे। अरे पैदा होते हो कैसे जान जाएगा, उसको सड़कों पे दौड़ाइए तो, उसको निकालिए तो। कम से कम मैं जानता हूं कि आपकी बातों को युवा साथी 100 में 99 नहीं मानेगा, लेकिन 5 युवा साथी भी मार जाएगा धनराज जैसे, तो ये उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में क्रांति का इंकलाब लिखा जाएगा। और जो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, क्या कभी लोग कहते थे कांग्रेस का भी सूर्यास्त नहीं हुआ करता था, उस ब्रिटिश जैसे उस कांग्रेस पार्टी का भी सूर्यास्त इसी उत्तर प्रदेश के साथ के लोगों ने किया, जो कि आज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो यही निवेदन करता हूं कि धनराज से जो उम्मीद आए, धनराज जो वादा करता है, सर कटाने के लिए मैं आगे रहता हूं साहब, लेकिन अपने वसूलों से, अपने बहुजन महापुरुषों से, मिशन मूवमेंट से कभी समझौता नहीं। राजनीति की तमाम बातें, लेकिन हमने तो सत्ता भी हासिल कर लिया उत्तर प्रदेश तमाम जिलों में, लेकिन सबसे पहले है, आप लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में है, आप मिशन मूवमेंट को अगर बचा लेके जाएंगे तो हम संविधान भी बचा लेंगे, और सत्ता तो आती जाती इस गलियारों का खेल है साहब। तो मिशन मूवमेंट को समझिए, हमारी और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, क्योंकि बिन्ने जिम्मेदारियों को समझे हुए ऐसे तमाम होता रहेगा। इन मकानों से निकलिए, निकलो बंद मकानों से, और जंग लड़ो बेमानों से। जय विज्ञान, जय संविधान, भारत जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, इंकलाब जिंदाबाद, नीला क्रांति जिंदाबाद।